गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। लंबे अंतराल के बाद में हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं सिविल सर्विसेज फोरम में। विगत जो मार्क्सियन थियोरेटिकल पैराडाइम है उसके कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी ऑफ एलिनिएशन की चर्चा हमने की है। थ्योरी ऑफ एलिनिएशन या किसी भी थ्योरी का फॉर्मेशन, उसकी सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल सिनेरियो के माध्यम से तय होता है। जब अलगाववाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा था तो वह 19th सेंचुरी का फिक्स्ड और सिक्स डिकेड्स था। उस समय कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस और इंपीरियलाइजेशन का प्रोसेस पूरी दुनिया में और खास करके के यूरोप में व्याप्त था, जहां शोषण की नई टेक्नोलॉजी कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में बिलीव करने वाले जो बुर्जुआजी क्लास थे उन लोगों ने स्वरूप तैयार किया, अर्थात प्रोलेटेरियट क्लास जो सर्वहारा वर्ग कहलाता है, सर्वहारा वर्ग से उसके श्रम को कैसे विमुख किया जाए या उसके श्रम को कम से कम कीमत पर कैसे डिटरमिन किया जाए, या कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में बिलीव करने वाले जितने भी सो कॉल्ड बुर्जुआजी थे उन लोगों में होल लगी हुई थी। एक होल ये थी, दूसरा एक प्रोसेस उसी समय जो लंबे समय से आ रहा था 18th सेंचुरी के फर्स्ट सेकेंड डिकेड्स में आरंभ हो चुका था यूरोप में, वह प्रोसेस था कॉलोनाइजेशन, अर्थात किसी भी तरह से छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं या बड़े कंट्रीज जो हैं जो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड थे उसको कैसे अपनी कॉलोनी बनाई जाए और वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका दोहन कैसे किया जाए, शोषण कैसे किया जाए, यह प्रक्रिया भी चली जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। 1757 में आप देखेंगे कि भारत की परिस्थिति भी उपनिवेशवादी जो मकर जाल था उसमें कैसे फंसा और कैसे वेलफेयर सोसाइटी को डेवलप करने के नाम पर उपनिवेशवादी व्यवस्था को भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में थोपा गया और उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद कैसे इंपीरियलाइजेशन का प्रोसेस जो है इंडिया में शुरू किया गया और इंडिया के साथ साथ एशिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में और अफ्रीकन कंट्रीज में कैसे शुरू किया गया,
उसी बीच में ये दोनों कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान कैसे प्रोक्टरेट क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला करके एक अवधारणा का विकास हुआ, एक सैद्धांतिक आयाम का विकास हुआ जिसे हम थ्योरी ऑफ एलिनिएशन अर्थात अलगाववाद के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। यह सिद्धांत मूल रूप से मार्क्स की जो मौलिक अवधारणा है, चाहे वह क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो और क्लास स्ट्रगल हो या थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू हो या थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म हो, ये या और जो उसके थ्योरेटिकल पैराडाइम हैं, ये सारे पैराडाइम का एक 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 मौलिक जो आयाम है, उस मौलिक आयाम के तहत जो है थ्योरी ऑफ एलिनिएशन को शामिल किया जाता है, क्योंकि बुर्जुआजी क्लास किसी तरह से जो इंट्रिंसिक मीनिंग है प्रोलेटेरियट क्लास की या लेबर क्लास की या मजदूर वर्ग की या श्रमिक वर्ग की या सर्वहारा वर्ग की, उसके उसके आंतरिक संतुष्टि को किस तरह से नष्ट किया जाए, और उस व्यक्ति को जब आंतरिक संतुष्टि रूपी शब्दावली जब उसके मन मस्तिष्क से निकल जाती है तो उसके बाद में वह एक मशीन की तरह काम करने लगता है, और इसी के बीच में जो है उसको अलगाववाद के सैद्धांतिक अर्थात वह अपने मौलिक श्रमिक श्रम मूल्यों से विमुख होता चला जाता है, और यही कारण है कि उसके सैद्धांतिक उसके दृष्टिकोण में समाज से, नेचर से, वर्क से एलिनेशन होने लगता है, और लास्टली वह अपने आप से एलिनेट महसूस करने लगता है। यह सैद्धांतिक आयाम जो है वह मूल रूप से अलगाववाद के सिद्धांत के तहत आया है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों के बीच में रखी है, और उसके उसके जो आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में या अब ढाई दशक कह दिया जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जो अलगाववाद के सिद्धांत का जो सैद्धांतिक आयाम है उसको यदि हम अध्ययन करने का प्रयास करें तो आज भी यंग जनरेशन ने, आप देखेंगे पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में अफ्रीकन कंट्रीज में जो है यंग जो क्लास है वह यंग क्लास में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह सबसे बड़ा मुद्दा होकर के खड़ा हो गया है। एक इंडस्ट्री तैयार है जो लोगों को सोशलाइज कर रहा है, लेकिन वह सोशलाइजेशन जो है या नॉलेज इक्विपमेंट को सोसाइटी के डेवलपमेंटल डायमेंशन के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है बेरोजगारी हमारी आज की दुनिया की सबसे बहुत प्रमुख समस्या के रूप में उभर करके सामने में आई है। तो ये यहाँ भी जो स्वरूप है थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांत के तहत अलगाववादी व्यवस्था की जो व्याख्या है वह आज के परिवेश में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आज पेटी बुर्जुआजी जो क्लास है वह पूरी दुनिया में एक अपना
अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश किए हुए है। वह मोनोपोली जो है इकोनॉमिक मोनोपोली है, जिसके कारण उसका वो जो है दिन प्रतिदिन अमीर होता चला जा रहा है। और जो